अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, आज का एक बहुत प्यारा अमल जो पहले आपने कभी किसी से भी सुना नहीं होगा, लेकिन उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर किसी की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दी ना करे और वो कहने लगता है कि मैंने दुआ तो की लेकिन कबूल क्यों ना हुई। तो दुआ करने में जल्दी ना किया करें, दुआ फिर रद्द हो जाती है। फिर अल्लाह पाक देखें, जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारे रब हमसे खुश हों, अल्लाह पाक हमसे खुश हों, तो अल्लाह पाक से उम्मीद भी उतनी रखनी चाहिए ना, खुशी भी रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से चाहत भी रखनी चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई परेशानी आए अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं है दुआओं को कबूल करने वाला, ठीक है। और दुआ की कबूलियत की भी पक्की उम्मीद रखा करें। आज का जो ख़ास अमल है, दुकान पर रश क्यों नहीं होता। एक बहुत प्यारे भाई हैं, उनकी सब्ज़ी की दुकान है और वो सुन रहे होंगे, तो उनकी दुकान पर बिल्कुल रश नहीं होता, वो बहुत परेशान है और अल्लाह पाक ने उन्हें साहिब औलाद भी किया हुआ है, तो घर में फाका कशी है। वो भाई सुन रहे हैं तो ये अमल उस भाई के लिए है। पहले दिन ही इंशाल्लाह बेहिसाब आपको रिस्क मिलेगा। दुकान पे रश का एक ख़ास तरीका जो अमलियात का है, इस नक्श को बनाना है, बनाकर सीधी बाजू पर बांध लेना है। नक्श बाजू पर बांध लेना है, सबसे पहले अलिफ या हा वाव 786 बिस्मिल्लाह, सीन रा हा काफ सा जीम, ये अपने खानों में लिखने हैं। खाना यहाँ से पूर करना शुरू करें, यहाँ पर एंड करें, ठीक है। वक्त रात का, रात का वक्त नफल दो हाजात के, दिन कोई सा भी हो, अल्लाह से दुआ करने के लिए दिन को पकड़ कोई भी नहीं है। दिनों की पकड़ नौ चंदी चांद जुमेरात वो अमलियात में होती है ज़्यादातर, ठीक है। दुरूद पाक तीन बार, अमल करने से पहले दुरूद पाक तीन बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। नमाज पाबंदी है, अमल की तादाद तीन तीन बार है, तीन बार तीन बार, ठीक है। लाइव वीडियो 8 बजे मिलेगी आपको इसी तरह के प्यारे प्यारे अमल की, जिसमें अमलियात भी सिखाई जा रही हैं, ठीक है, परी मोकल के अमल भी बताए जा रहे हैं और साथ में रिस्क के, आपके प्यारों के और जादू और बंदिश के बारे में भी समझाया जा रहा है। आज मैं एक ख़ास तरीका आपको समझाऊंगी, दो नफल पढ़ने अमल के बाद और के नफल पढ़ने के बाद आपने सूर्य कौसर को तीन मरतबा पढ़ना है। नफल आम नफलों की तरह ही, हाजत के नफल पढ़ेंगे, नियत आम नफल की तरह ही होगी। सूर्य कौसर को तीन मरतबा, अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सूर्य इखलास को तीन मरतबा, पहले दुरूद शरीफ तीन मरतबा, फिर सूर्य कौसर तीन मरतबा, सूर्य इखलास तीन मरतबा, और नियत क्या रखनी, रिस्क दौलत माल की अल्लाह पाक से मांगें। फिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद तीन सजदे करें। पहले सजदे में अल्लाह से रिस्क मांगें, दूसरे सजदे में अल्लाह पाक से दुआ करें, अगर कोई बीमारी परेशानी है, रश नहीं है दुकान पर और बहुत परेशान है, पैसा फाका घर में है, तो अल्लाह से दूसरे सजदे में दुआ करें। तीसरे सजदे में अल्लाह पाक से ये दुआ करें, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं देने वाला, तेरे सिवा कोई भी हमें जो है कोई हमें रिस्क दे, तो अपने रब से दुआ करें। तीन सजदे पूरे करके, दुआ करके, तो फिर आप खामोशी से सो जाएं और नक्श बंदा रहने दें, ये नक्श तीन दिन बंदा रहेगा, ठीक है। तीसरे दिन उतार कर बाजू से, अगर रश बढ़ जाए तो तीन दिन बांधें, अगर रश ज़्यादा चाहते हैं तो फिर सात दिन बांधें, सात दिन बाद ज़्यादा रश ना हो जाए तो फिर सात दिन बांध कर ना, फिर आप इसको अपने जौन सा है किसी भी पास पानी वगैरह होता है वहाँ पर बहा दें, ठीक है। ये ख़ास तरीका है अमल का जो आपके लिए बहुत आला है। आपके घरों में
परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दुकान पर रश, दुकान पर बंदिश कैसे लगती है? जब किसी का पाँव सख्त हो, भारी हो, तो वो बंदिश लगा देता है। तो ये नक्श अपने पास रखें, कभी बंदिश नहीं लगेगी। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रابطہ करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।